हे हेलो एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम निहारिका। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक फेस वॉश, जो कि है ये सेंट बोटैनिका का एलोवेरा एंड क्यूकम्बर फेस वॉश, जो कि उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा है जो अपने फेस पे ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग में आता है। इसके फ्रंट साइड पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो मेंशन है, एंड इसका जो इस वाला साइड है इस पे, मतलब ये फेस वॉश अपने को क्यों यूज़ करना चाहिए वो इस वाले सेक्शन पे मेंशन है, एंड इस वाले सेक्शन पे भी प्रोडक्ट का नेम है, एंड इस वाले सेक्शन पे इसमें क्या है और क्या नहीं है वो सब मेंशन है। तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले स्टार्ट करें इसके इस वाले साइड पे। तो ऑफकोर्स इसमें प्योर एक्सट्रैक्ट है, कोई भी केमिकल नहीं है, नो पैराबेंस है, बोटैनिकल एक्टिव्स है, नो मिनरल ऑयल है, नो SLS एंड SLES है, एंड कोई भी सिलिकन नहीं है। सो ये जो फेस वॉश है ये 100 ml का है, एंड 100 ml की जो कॉस्ट है मुझे पड़ी है वो है 349 rupees। इसको मैंने अमेजन से परचेज किया है और ये मुझे 349 rupees का ही मिला है। एंड इसके इस वाले सेक्शन पे ये दिया हुआ है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि हमें इस फेस वॉश को ही क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ऑफकोर्स इसमें एलोवेरा है जो सूथ करता है स्किन को। ऑफकोर्स गर्मी है तो स्किन को सूथ करने की नीड तो होगी ही, एंड ऑल्सो इरीटेटेड स्किन का भी केयर करता है ये, एंड स्किन को हाइड्रेशन देता है एंड प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। ओके, तो सेकेंड जो चीज़ इसमें वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी हेल्प करता है, बूस्ट करता है आपके स्किन के एंटीऑक्सीडेंट को, बैरियर को, एंड मिनिमाइज करता है फ्री रेडिकल को आपकी स्किन को, जो भी डैमेज है उससे ग्रीन टी प्रोटेक्ट करता है। एंड इसमें जो थर्ड चीज़ है वो है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर हेल्प करता है आपकी स्किन की जो पफिनेस, पफी पफी टाइप स्किन हो जाती है उसको रिड्यूस करने में, एंड ऑल्सो आपको कूल एंड रिफ्रेशिंग सा मतलब एक फील देता है। तो ये तो काफ़ी अच्छा है, हाइड्रेट करता है, कूल करता है, नरिश करता है फेस को। और ये फेस वॉश आपको हेल्प करता है स्किन की क्लैरिटी में, आपके स्किन टोन को लाइटर करता है, रिड्यूस करता है ब्रेकआउट्स एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज। एंड गर्मियों में बहुत सारे लोगों की स्किन के नोज़ वाले एरिया पे ऑयली ऑयली टाइप हो जाता है, ये उसको भी कम करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब गर्मी आती है तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे नोज़ वाले सेक्शन के आसपास थोड़ा सा मतलब वो ऑयल वाला जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। ओके, सो ये परफेक्ट है फॉर डेली यूज एंड इज सूटेबल फॉर डेली यूज, एंड ये ऑल स्किन टाइप्स है। कैसी भी आपकी स्किन टाइप हो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो ये अंदर से किस तरह का है। सो ये कुछ इस तरह का रहता है, एंड ओके, सो ये कुछ इस तरह के ट्यूब टाइप की पैकेजिंग में आता है। नॉर्मल फेस वॉशेस जैसे आते हैं वैसे ही आता है ये, एंड ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसको प्रेस करके आपको इसकी जरा सी अमाउंट लेनी है और अपने फेस पे अप्लाई करना है ऑफकोर्स। सो इस ट्यूब के फ्रंट साइड पे जो प्रोडक्ट का नेम है एलोवेरा जेल फेस वॉश वो है, एंड इसके पीछे वाले साइड पे सारा कुछ मेंशन है जो कि इसकी कार्डबोर्ड वाली पैकेजिंग पे मेंशन की क्रुएलिटी फ्री है, वेगन फ्री है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। एंड इसकी क्वान्टिटी 100 ml है, मैंने बता ही दिया। एंड इसको कब तक यूज कर सकते हैं, तो ये 2022 का बना हुआ है, 2024 तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं। 2024 के बाद ये ख़राब हो जाएगी, मतलब कि इसको परचेज करने के 2 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। सो मैंने रिसेंटली ही इस फेस वॉश को यूज़ करना ट्राई किया है, तो रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छे हैं, ऑयल वगैरह को कंट्रोल करता है ऑफकोर्स, एंड एलोवेरा क्यूकम्बर है तो वो स्किन के लिए ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि मुझे कुछ नेचुरल चीज़ें चाहिए थी मेरे स्किन के लिए, क्योंकि केमिकल्स कितना भी यूज़ कर लो वो एक टाइम आने के बाद फेस को हार्श करता ही है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया था। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसा फेस वॉश जिसमें बस नेचुरल चीज़ें ही हो, ज़्यादा केमिकल्स ना हो, तो आप ऑफकोर्स इसको एक बार परचेज कर सकते हो। ओके, सो ये था मेरा वीडियो ओरिएंटल बोटैनिक्स के एलोवेरा फेस वॉश के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, एंड आपको भी समझ आ गया होगा कि ये फेस वॉश आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेकआउट कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, एंड अगर वीडियो यूज़फुल रही है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।